हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाना पोहा बनाएंगे जो बिना तेल का होगा। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और इसे बनाकर आप सुबह या शाम को चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बच्चे बहुत पसंद करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। तो बनाना पोहा बनाने के लिए मुझे 1 कप गेहूँ का आटा चाहिए, आधी प्याली दूध चाहिए, 4 चम्मच मैंने चीनी पाउडर लिया है, आधी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, आधा चम्मच इलायची पाउडर है, आधा चम्मच नमक है मैंने सेंधा नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है और इसको बनाने के लिए मैंने इस तरह से केला लिया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें हम इस केले को इस तरह से छील लेंगे। देख सकते हैं केला हमारा से ऊपर से काला हो गया इसका छिलका और अंदर से बहुत ही अच्छे हैं केला। तो इस तरह से केला अगर आपके पास गल जाए तो इसे फेंके नहीं, इसका बनाना पोहा बना सकते हैं। बहुत हेल्दी नाश्ता होता है फ्रेंड्स, बच्चे भी खा लेंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने केले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से मैश कर लिया है मैंने, देख सकते हैं आप। इस तरह से हमें मैश करना है। आप चाहें तो इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के चला सकते हैं। इसमें डालेंगे हम गेहूं का आटा और आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह आप मैदा भी डाल सकते हैं, मैदे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा बहुत हेल्दी होता है फ्रेंड्स, तो हमने गेहूं का आटा इसलिए लिया है। उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, तो इसी भी चीनी मैंने लिया। आप चाहें तो उस तरह से खड़ी चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन खड़ी चीनी डालने में मिक्स करने में बहुत टाइम लगता है। ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है, इसे डाल देंगे। तो देखिए फिर मैंने चीनी डाल दिया और इसे मिक्स कर लेंगे। इसके साथ साथ हम सौंफ डाल देंगे, मैंने पीसी हुई इलायची ली इसे डाल देंगे। मीठे को बैलेंस करने के लिए मैंने नमक लिया है थोड़ा सा और ये मैंने सेंधा नमक लिया है। आप चाहें तो कोई भी नमक डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने मीठे को बैलेंस करने के लिए नमक डाला है, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है नमक डालने से। अब इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे, मैंने थोड़ा सा दूध डाला है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले दूध डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और इसे बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनाना है, लिक्विड फॉर्म में नहीं लाना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। थोड़ा दूध हम और डालेंगे, हमने मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। तैयार है पुआ बनाने के लिए बैटर, आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, थिक रखना है। तो चलिए हम पुआ बनाना शुरू करते हैं। बनाना पुआ बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने अपन मेकर लिया है और इसे मैंने गैस चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें हम तेल से थोड़ी सी ग्रीसिंग करेंगे, बहुत ही कम तेल हम इसमें यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें पुआ बैटर हम डाल देंगे। और इसे बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे, 1-1 चम्मच डालेंगे। और अब इसे हम ढक देंगे, ढक के 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा के हम चेक कर लेंगे तो बहुत अच्छे पक गए हैं। एक साइड बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, और अब इसे हम पलट देंगे। थोड़ा सा ऑयल हम इस तरह से डाल देंगे, साइड साइड से लगा देंगे। इसे हम इसे ढक देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, अब इसे ढक्कन हटाएंगे और चेक कर लेंगे। हमारे अपम बन के तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे बने हैं, निकालेंगे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सर्व कर लिया है, हमारा बनाना अपम बन के तैयार हो गया है, बहुत हेल्दी नाश्ता है। इसे सुबह या शाम को आप बनाकर खा सकते हैं, बहुत कम तेल में मैंने बनाया है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बहुत कम तेल में बनाया है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए, खाइए, हेल्दी रहिए। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो बनाने का तरीका पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बस कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।